हेलो एवरीवन, मैं सूर्यांक सर और आपके ज्योग्राफी के क्लास में, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि ये जो क्लास होती है वो डेली 1 बजे से होती है। इसमें जो टॉपिक हम देख रहे थे, उस टॉपिक में जिसमें जो पहली बार स्टूडेंट देख रहे होंगे समुद्र विज्ञान, और उसके अंतर्गत हमने आंतरिक संरचना और आज जो हमें देखना है प्रवाल भित्ति देखनी है। लेकिन उसके पहले, जैसा कि आप सब ने सुना ही होगा, ऑब्वियस है क्योंकि भाई आपकी तरह ये न्यूज़ फैली होगी, और मुझे जो लोग देख रहे होंगे अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो कंग्रेचुलेशन उनको, और जिनका नहीं हुआ है उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए है, आपके लिए है यहाँ पे, जिनका भाई सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पार्थ एजुकेशन की तरफ, पूरी की टीम की तरफ से, ठीक है। इसमें सर ने कहा भी है कि भाई चयनित सभी छात्रों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। तो जितने लोग स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं और पार्थ एजुकेशन और बाकी सारे टीचर्स का उसमें जो योगदान रहा है, और पार्थ एजुकेशन की जो टीम है उसमें उन्होंने जो योगदान दिया है, उनकी तरफ से भी आपको हार्दिक बधाई। अब इसी इसी जो आपने एक जीत हासिल करी है, यहाँ तक मत रुकिएगा, भविष्य में जो सपने आपने और देख रखे हैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं हैं। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी जी जान से मेहनत तो करी लेकिन किसी वजह से आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मेरी तरफ में आपको बस यही बोलूं कि ये लास्ट एग्जाम नहीं था, ये होप आखिरी नहीं थी, अभी जंग आगे भी लड़ना है आपको, और उसके लिए हम आपकी हेल्प करने तैयार हैं, जैसा कि जो सेलेक्ट हुए स्टूडेंट उनका हमने किया है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक रणनीति और बना सकते हैं सर के निर्देशन में ही, रोहित सर के और हम लोग इस पूरी टीम के साथ, कि भाई जो असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करें, देखो क्या कमी रह गई और फिर से इसमें सुधार करें। ये वाक्य अपने आप में बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि आखिर टीजीटी पीजीटी या जो भी रिजल्ट आपके आने वाले हैं या आए हैं उसमें जो सिलेक्शन नहीं हुए हैं उसमें कुछ तो कमियां रही होंगी, कुछ चाहे हमारी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, या शायद दोनों की तरफ से, या हो सकता है केवल आपकी तरफ से। क्या कमियां रही हैं उसको देखिए, सुधार करिए, क्योंकि वैकेंसीज आपके सामने फिर ये आने वाली है जल्दी ही, जिसमें आप देखेंगे LTGT TGT PGT इन सब की वैकेंसी आएगी, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको फिर से जो हम एक थप्पा जो लगा अदर स्टूडेंट पे आप पे लगने में, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जम के मेहनत करिए, अदर स्टूडेंट से अलग होइए, जो यहाँ से टीचर कहता है अपने एक्सपीरियंस से उस चीजों को आप करिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, जो आपने भी आप क्या किया होगा, कुछ सीखा होगा एग्जाम से कि कहाँ फेल हुए होंगे, उसको करिए। तो जितने भी भाई बहन, मेरे छोटे भाई बहन या जो भी आप होंगे, आपको मेहनत करनी है, सीखना है, हताश नहीं होना है। दो रिजल्ट आया है, 2-3 दिन रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर जितनी एनर्जी है फिर से जंग लड़िए, ठीक है। इसका हम जीता जागता एग्जाम्पल अगर अपने इतिहास में भी चले जाएं, वहां से हमें बहुत सारे इतिहास देखने को मिलेंगे, बड़ी बात नहीं। अभी अभी अगर हम बात करें, ओलंपिक आपके सामने हुआ है, आपने लिखारा के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। उसमें अगर हमने लिखारा के बारे में सुना है, अगर आप उस लड़की को देखें, लड़की को, तो उसमें क्या हुआ, 2012 में उनका क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, अपने भारत देश में, वो भी गांव में। अगर कहा जाए लड़की है, सही है, लेकिन लड़की अगर विकलांग है तो सोचिए घर वालों की चिंता कहां से कहां तक पहुंचती है कि इसका अब क्या होगा। लेकिन वो बंदी और वो परिवार अपने आप को हार नहीं माने, उस बंदी ने अपने आप को क्या प्रूफ किया, वर्ल्ड तो ठीक, अपने इंडिया की पहली महिला है जिसने डबल मेडल एक साथ जीता है, और विकलांग महिला है। तो कहते हैं विकलांगता किसी की मोहताज नहीं है, आपको क्या करना, अपनी मेहनत को क्या करना है, ला करके प्रूफ करना है, जैसा कि उन्होंने किया। आप तो सही सलामत है, पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, सब कुछ है, बस क्या जरूरत है थोड़ी सी मेहनत की। जब उधर के लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। तो हमें सीखना है अपने अगल बगल से चीजों से, हमें सीखना है जो गलतियां हमने की है, हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर दिखाना है, और करिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ भी हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए उनके साथ भी है। तो चलिए इसी के साथ मैं सूर्यांक सर फिर अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ, आने वाले आपके एग्जाम के लिए और उज्ज्वल भविष्य के लिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे भाई, उनके लिए भी सब शुभकामनाएं हैं, और फ्यूचर के लिए आप क्लासेस को सीरियस लीजिए, यहाँ जो पढ़ाई जाती है सर के निर्देशन में
वो भी अच्छे तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ चीजें, कुछ चीजें पेड है, आपको जैसा ठीक लगे आप करके अपने मुकाम तक पहुंचिए, हम हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर लेक्चर में हम आए तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे जिसमें हम लोग समुद्र विज्ञान देख रहे थे। और जो लोग मुझे बाद में देख रहे होंगे, हो सकता है उनकी पहली क्लास हो, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो क्लास होती है डेली 1 बजे से होती है, ठीक है, डेली 1 बजे से। और आज इस पे जो क्लास है वो तीसरे नंबर की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम आंतरिक संरचना, इसमें समुद्र की आंतरिक संरचना को देख रहे थे और उसमें हम देखेंगे प्रवाल भित्ति को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें करी है, बिल्कुल हिम्मत। देखिए कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर लास्ट नहीं होता है, जो लेकिन याद रखिएगा जो आप कल का इंतजार कर रही हैं, जैसे कि आज की अगर हम बात करें, इसका इंतजार हम बहुत पहले कर रहे थे, आज वो आज है, जिस कल का आप इंतजार कर रहे थे वो आज है। इसी तरह से जो आने वाला एग्जाम है वो आपके लिए कल है, और वो क्या बनेगा, उस दिन आज बनेगा, लेकिन उस कल के लिए आपने आज कितनी मेहनत करी है वो ध्यान रखना है। तो दिमाग में होना चाहिए कि आप कल के लिए कैसी तैयारी करें, ठीक है। एग्जाम को ध्यान रखें, बहुत लोग स्टूडेंट पूछते हैं बार बार मैसेज करके कि सर एग्जाम कब होगा। डेफिनेटली है एग्जाम होगा, अपने आप से ये पूछो कि जो एग्जाम होगा क्या उसकी तैयारी आपकी है, तो उस तैयारी को बेहतर रखिए, ठीक है, और जो कमियां हैं उसे दूर करिए। चलिए करते हैं फिर से स्टार्ट और फिर से आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे टॉपिक हम देखें तो हम लोग कहाँ पे हैं, इस वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे थे, जिसके अंतर्गत मैं थोड़ा सा, जो लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हो तो 2 मिनट के लिए हम रिवीजन कर लेते हैं इस पे। यहाँ पे हम समुद्र विज्ञान को देख रहे थे, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे अगर देखें, आप लोग को ये पहली बार मिल रहा होगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे इसके अंतर्गत यहाँ पे, तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी देखिए। इस पे हम देख रहे हैं ओशनोग्राफी को, ओशनोग्राफी जिसको हम लोग समुद्र विज्ञान कहते हैं, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो हमें यहाँ पे कवर करना है, इसमें हमने क्या किया है, इस वाले टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है। यहां से इस टॉपिक कवर करने की कोशिश करी और इसी पे अभी हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं करेंगे आगे इसमें, इसके अतिरिक्त देखेंगे तो हम महासागरीय धाराओं को भी देखेंगे, इसी के अंतर्गत ओशियन टाइड ज्वार भाटा को भी देखेंगे, इसी अंतर्गत सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर महासागरों की लवणता को देखेंगे, इसी के अंतर्गत टेम्परेचर ऑफ ओशियन महासागरीय तापमान को देखेंगे, और एक टॉपिक आपके सामने आती है यहाँ पे लास्ट में जिसको हम कहते हैं कोरल रीफ प्रवाल भित्ति। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ कोरल रीफ से, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली है क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। और आज का ज्वलंत मुद्दा है, हम किसकी बात करें, पर्यावरण की बात करें, जब मैं पर्यावरण पढ़ाऊंगा तब आपको ये डिटेल से बताऊंगा। पर्यावरण के अगर डिटेल मुद्दों को देखें तो आज कहीं ना कहीं ये प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की बात करें और भी समुद्री जैव विविधता की बात करें, तो इसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है, तो इसके अंतर्गत जब हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ रहे हो, समुद्र विज्ञान, इन टॉपिक को हमें क्या करना है, यहाँ से कंप्लीट करते हुए जाना है। तो जो स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए फिर इंफॉर्मेशन है कि क्लास 1 बजे डेली होती है और यहां से हमने ये टॉपिक कंप्लीट करी है, तो थोड़ी से 2 मिनट के लिए इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। आइए देखा जाए क्या क्या चीजें हैं हमको यहाँ मिलती है। हमने संसार के 5 विशालतम महासागर को कंप्लीट किया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ अटलांटिक महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है, ऊपर आर्कटिक सागर है और नीचे अटलांटिक सागर है। इसके बारे में मैंने बताया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, 2 लेक्चर जो इस पे हुए हैं, ठीक है। फिर देखें हमने क्या देखा था शुरुआत में पृथ्वी पे, कि भाई पहले क्या था, पृथ्वी का पैंजिया वाला पार्ट था, पानी वाला पैंथालासा था, टूटा फूटा, टूटे फूटने के बाद क्या हुआ, एक पार्ट बना जिसको लॉरेंसिया बोला, दूसरा गोंडवाना, बीच में क्या टेथिस सागर आया। लेकिन समय बीतने के साथ आज हमारी पृथ्वी हमको कुछ ऐसा दिखाई देती है इस तरह से, और जो हमारा पैंथालासा वाला पार्ट है, जो इसमें पानी वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट बचा, उसको हमने कहा प्रशांत महासागर। ये सब चीजें मैंने आप लोग को डिटेल से बता रखी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम चले तो आज का जो विश्व है हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो विश्व अगर इस तरह से दिखाई देता है तो यहीं पे हम देखें तो महासागर है, यहीं पे देखें तो सागर है, ठीक है, झीलें भी हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बाद में देखेंगे। कुछ चीजें मैंने यहाँ बताई हैं, तो पुराने लेक्चर में आप लोग 2 लेक्चर जो हुए हैं उस पर देख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद हमने देखा था
कि जब हम लोग समुद्र के अंदर चले, समुद्र के भीतर चले, तो हमें क्या मिलेगा, अलग अलग स्थलखंड मिलेंगे। पहले जो ज्योग्राफर थे, साइंटिस्ट थे, उनकी अवधारणा अलग अलग थी। अवधारणा उनकी ये थी कि पहले समुद्र का जो समुद्र का आंतरिक भाग है वो समतल है, ये माना उन्होंने। लेकिन जब हमारा साइंस और साइंटिस्ट आगे बढ़े तो सोनार आया। सोनार समझते ना, सोनार जो सोना बनाता है वो नहीं, सोनार वेव्स क्या होती हैं, जिसमें तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे जाती हैं और टकरा करके वापस आती हैं। तो नाव अगर हमारे पास, आप ये फिजिक्स का टर्म है, मान लीजिए हम यहाँ रहे हों, तो यहाँ से सोनार को हम क्या करते हैं, वेव को पीछे भेजते हैं और ये क्या करती, फिर से यहाँ तक वापस आती है। तो आने जाने का समय काउंट कैसे करते होंगे, तो यहाँ पे उसकी डेप्थ, उसकी गहराई पता चल जाती है। तो इस तरह से अलग अलग जब हम देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जो पार्ट वो समतल नहीं है। फिर सबमरीन आ गई, हम अंदर जाके ही देख लिए कैसी कैसी संरचना है, और मारियाना गर्त तक भी हम जाकर देख लिए कितनी गहराई है, वहां का जीव कैसे रहता होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, लगभग लगभग उनके नॉलेज उसमें बारे में जानकारी इकट्ठा करी। प्रकृति है, पृथ्वी है, इसमें हम सारी जानकारी तो नहीं ले पाए हैं, अभी चल रहा है प्रोसेस, लेकिन हमने जानकारी अधिकतर इसमें जुटा रखी है। ठीक है, तो वो हमारा विषय यहाँ नहीं है डिस्कस करने का। यहाँ पे अगर हम और आगे चलें तो इसी में हम क्या देखे थे, जैसे जब हम लोग पृथ्वी के सॉरी समुद्र के अंदर चलेंगे तो समुद्र के आंतरिक भागों में हम देखें तो महाद्वीपी मग्न तट, जहाँ पे महाद्वीप है उसी में अगर देखें, जैसे कि मैं एग्जांपल लिया हूँ, जब लोग आप लोग मूवी देखी हो, पिक्चर देखी होगी, लोग क्या करते हैं समुद्र किनारे नहा रहे होते हैं और कुछ लोग वहीं पे बैठ करके धूप ले रहे होते हैं, तो जहां बैठे वो बीच कहलाता है। जो लोग कम पानी में नहा रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो उसको मग्न तट बोलते हैं, मग्न तट। और जो महाद्वीप रहा होगा वो हरा वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे यहाँ मग्न तट। फिर और आगे बढ़ते चले जाए तो ये कौन आ जाएगा, महाद्वीपी ढाल आ जाएगा, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे गहरे सागरी मैदान आ जाते हैं हमारे पास, फिर इसके बाद देखें महासागरी कटक, जो ऊंचे हमारे पहाड़ियां बनी हैं, फिर इसके बाद गहराइयां हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, महासागरी गर्त के नाम से। ये चीजें हमने आपको बता रखी है। ठीक है, फिर आगे देखा जाए, देखो अर्चना वेटिंग लिस्ट में है, हाँ मे बी बहुत, मैं होप नहीं दिलवाऊंगा आपका, शायद हो जाए, शायद कोई ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की दो ज्वाइनिंग हो, एक अच्छे जगह, एक यहाँ, एक पीजीटी में, हो सकता है वो छोड़े सीट, तब आपके चांस मिल सकते हैं। लेकिन ये मान के चलना है कि मेहनत करनी है आगे के लिए, हो सकता है भाई को ना छोड़े, ठीक है, एक नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप रुके रहिए, वेटिंग लिस्ट में है, तो कुछ लोग पीजीटी का भी रिजल्ट आने वाला है, अगर उसका रिजल्ट आएगा, अगर उसमें स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, तो बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा जानता हूँ जो कि पीजीटी में भी सिलेक्टेड है, इंटरव्यू दिए हैं और इसमें भी सिलेक्ट हुए हैं, तो वो डेफिनेटली इसको छोड़ देंगे, तो मे भी आपका हो सकता है। ठीक है, वेट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो हम ले यहाँ पे, यहाँ पहुंच गए, ये अगर जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे, इसको पहली बार देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, जिसको मैंने कहा का महाद्वीपी मग्न तट है। फिर इसके बाद देखा तो हमने क्या देखा, ढाल देखा था, स्लोप वाला पार्ट हमने देखा है। फिर इसी के बाद हमने देखा जो स्लोप वाला पार्ट, इसमें अगर हम चले जाए तो स्लोप वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से अगर आप बैठे तो लुढ़कते हुए नीचे आ जाएंगे। तो एक पार्ट, ये क्या पार्ट होगा, ये बॉटम वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट है, तली है। तो इनके और इसके बीच में, मतलब ये देखा जाए ढाल तेजी से, ये ढाल धीमा है, धीमा ढाल है, इसको हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इन दोनों को जोड़ने का। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, ये जो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो आपका यहाँ, क्यों, क्योंकि अगर देखें प्रवाल भित्तियां होंगी, छोटे जीव हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुदाई करके खनिजों का उत्कर्षण करते हैं, इस तरह से चीजें हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी चीजें हमको थोड़ी बहुत इसमें जाननी है, इसको हमने और चीजें बता रखी है पीछे क्लासेस में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो जब महासागरी नीतल की हम बात कर रहे थे, तो यहां हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग पार्ट रहे हैं, महाद्वीपी मग्न तट, महाद्वीपी ढाल, महाद्वीपी उत्थान। अब जब हम लोग क्या कर पहुंचेंगे, नीचे तली पे पहुंचेंगे, तली के अंतर्गत यहाँ पे देखें तो क्या क्या आता है, अंतर्गत यहाँ पे सागरी कटक आते हैं। अब कटक क्या होते हैं, मैंने आपको बताए हैं, बताऊंगा फिर से। फिर यहाँ पे देखें नितल पहाड़ियां होती हैं, गर्त या खाइयां हैं, और जलमग्न कैनियन के आते हैं। तो ऐसे टर्म्स भी आपके एग्जाम में आते हैं, और ये टर्म क्या होते हैं आज आप
सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो महासागरीय तल में हमने देखा है कॉन्टिनेंटल सेल्फ महामग्न तट है, फिर महाद्वीपी ढाल हो गया, महाद्वीपी उभार हो गया। तो यहां से जो हमने कंप्लीट किया है पहले वाला पार्ट, अगर देखें इस वाले पार्ट को, यहां से कॉन्टिनेंटल महाद्वीप मग्न तट को, यहां से कॉन्टिनेंटल सेल्फ महाद्वीपी मग्न तट के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहां से आ जाए, जब महाद्वीप मग्न तट के बारे में आएंगे तो मैंने बताया है कि इसका जो ढाल होता है वो कितना होता है, 1 से 3 डिग्री तक लगभग होता है, और धीरे धीरे हम कहां पहुंचते जाते हैं, एकदम तली में चलते गहराई में चलते चले जाएंगे समुद्र के साथ। अब इसी वाले पार्ट को अगर देखें तो ये पार्ट हमें समुद्र में, अगर पूरे समुद्र ऐसा दिखता तो ये वाला जो पार्ट दिखता है हमें, ये वाला जो पार्ट दिखता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं मग्न तट की, इधर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ढाल की बात करते हैं। जब इतना पूरा आप देखोगे, यहां से इस पूरे पार्ट को देखोगे तो यहां से आपको दिखाई देगा कि यहाँ अधिकतर जीव भी आपको दिखाई देते हैं, छोटे जीव दिखाई देते हैं, यहाँ पर समुद्री पेड़ पौधे भी आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अलग अलग जो महाद्वीपी मग्न तट है, जो ढाल है, जो तली है, किसकी प्रोडक्टिविटी, किसकी उत्पादकता सबसे अधिक है, उत्पादकता अगर पूछता है तो यहाँ पे तो हम कहेंगे इसकी उत्पादकता सबसे अधिक है। किसके मामले में, पर्यावरण के मामले में उत्पादकता सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि यहीं पे अगर हम बात करें तो शैवाल हो गया, छोटे जीव हो गए, प्रवाल भित्ति हो गई, वो सब यहाँ है, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि सूर्य को अगर हम यहां माने तो क्या होता है, एक आता है फोटिक PHOTIC फोटिक सेक्शन, फोटिक रेंज आता है, जहां तक सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर तक पहुंच पाता है उसको हम फोटिक जोन के नाम से जानते हैं, फोटिक जोन। ठीक है, फोटिक जोन के नाम से जानते हैं। जब फोटिक जोन में अगर बात करें तो अब जो पौधा होगा उसको क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप चाहिए, धूप अगर चाहिए तो क्या करेगा, भोजन निर्माण करेगा, भोजन निर्माण करेगा तो छोटे जीव उस पौधों को खाएंगे, उन पौधों को खाएंगे छोटे जीव, तो छोटे जीव कौन खाएगा, थोड़े बड़े, फिर उनको खाएगा तो थोड़ा और बड़ा, और वही बड़ा जीव कहां पहुंचेगा, महासागर के बड़े भाग में। तो प्रोडक्टिविटी यहां है लेकिन जा कहां रहे ये लोग, यहां। ठीक है, तो इनकी डिपेंडेंसी भी यहां पे डिपेंड करती है, इसलिए ये पार्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। आगे देखें तो क्या होगा, यहां मैंने बता रखी है चीजें, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताए हैं ऐसी चीजें, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, महाद्वीपी मग्न तट छिछला, इसके बारे में पूरा मैंने डिटेल बता रखा है, तो जो स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे होंगे वो इसको आप स्क्रीन पे रोक करके इसको बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल बता रखा है कि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जीव मिलते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा कोरल लीफ, इन सब के बारे में है। इसी में देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, इन सब में अगर देखें तो मैंने बताया है कि यहाँ पे छोटी मछलियां भी मिलती हैं। इसी मग्न तट में विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्र भी उपस्थित हैं। यहीं पे क्या है, खनिज की प्रचुर मात्रा भी अवेलेबल होती है। ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं। अब अगर हम देखें ये जो खनिज वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो 90% से अधिक जो पेट्रोलियम है उसको हम लोग कहां से निष्कर्षित करते हैं, इसी क्षेत्र से निष्कर्षित करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को बताया हुआ है, तो सॉरी फोटो मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है, आप लोग इसको देखिएगा। फिर इसके बाद करें, इसके बाद देखें कि हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे किस तरह से इसका उपयोगिता है। जब हम उपयोगिता की बात करेंगे, देखो यहां रविंद्र, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पढ़ा रहा हूं टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, और नॉर्मल छोटे क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो सर की ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे सर। ठीक है, मुश्ताक सर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। कब पढ़ाएंगे कब नहीं पढ़ाएंगे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। दिया गया नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते, जो बैठे होंगे लोग बता देंगे आपको, बाकी डिटेल मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए बाकी आप डिटेल ऑफिस से पूछ लीजिए, शायद आपको बता देंगे, मुझे नहीं मालूम। चलिए आगे देखा जाए तो यहां अगर हम बात करें इसकी उपयोगिता की, उपयोगिता क्या क्या है इसमें अगर देखें तो यहीं से खनिज पदार्थों के हमें, खनिज पदार्थ भी हमें मिलते हैं।
खनिज पदार्थों के रूप में अगर देखें तो यहीं से अगर हम बात करें, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, जब हम लोग मोनोजाइट सैंड की बात करते हैं, यहाँ पे बालू की, मोनोजाइट बालू की बात करते हैं जो कि हमारे केरल में मिलता है। मोनोजाइट बालू जो है अगर हम देखें, मोनोजाइट बालू तो कहाँ मिलता है, केरल में। कई बार क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में आया है कि मोनोजाइट बालू का क्षेत्र कहाँ उपस्थित है, तो किसमें है, यहाँ से केरल में है। ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भी क्या मिलते हैं, और इससे थ्रू जो मटेरियल मिल रहे हैं उससे हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूरेनियम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोरियम यहाँ पे हो गया, थोरियम मिलेगा किसमें, मोनोजाइट बालू में, थोरियम, थोरियम से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, यूरेनियम। तो ये यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बात करें गोल्ड, सोना मिलता है कहाँ पे, अलास्का वाले क्षेत्र में। कहाँ है, क्या है, मैं बाद में बताऊंगा, आप नाम सुने रहिए, ये अमेरिका का भाग है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जिरकॉन, जिरकॉन मिलता है हमको ब्राज़ील, और कहाँ पे है ये, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया मिलता है हमें। फिर देखें हम लोग, फिर इसके बाद डायमंड की बात करें, साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में है। और पर्ल की बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोती की बात करें, ये भी हमें इसी क्षेत्र में यहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए बिल्कुल है, जो ज्योग्राफी का लेवल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी पूरी लेक्चर आप देख लीजिए, आपके पूरे एग्जाम क्वेश्चन हो जाएंगे। उन्होंने मुश्ताक सर के बारे में पूछा है तो उनके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, बाकी ये टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी आप पढ़िए दीजिए, क्योंकि जो लेवल यहाँ मैं लेके चला हूँ, मैं आपके सारे क्वेश्चन को देख के बैठा हूँ, यहाँ जो लेवल दे रहा हूँ उससे बियॉन्ड आपके एंथ क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। करंट अफेयर्स से अपडेट मैं करवाता हूँ लास्ट में, वो अपडेट भी आप होंगे, आप घबराइए मत। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि एलटी के लिए है कि नहीं है, नहीं ऑब्वियस है, लेकिन समस्या आपके साथ क्या होती है, आप लेक्चर देखते नहीं है पूरा। मेरी क्लास में सारी चीजें आपको स्क्रीन पे बकायदा इस टाइप से मिलेगा, हर चीज में लिख के नहीं बताता, क्योंकि लिखने में होता क्या है, एक घंटे का लेक्चर फिर वो तीन घंटे जाता है लिखने में, यही चीजें मैं आपको लिख लिख के जब बताऊंगा तो वो तीन घंटे लेगा, क्योंकि लिखने और मिटाने में टाइम लगता है। यही चीजें आपको यहां दिखती हैं तो जल्दी जल्दी लेक्चर्स होते हैं, तो अभी तक आप आज आप देखेंगे 33 लेक्चर है, लेकिन इसको सही से लिख कर बताया जाए तो आज ये 50वीं लेक्चर होती। ठीक है, 50वीं लेक्चर होती, तो उसको आप जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं, पुराना लेक्चर देख लीजिए, आपके पास बुक होगी, रेफरेंस बुक होगी, उससे पढ़िए, यहां से नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, करिए, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन भी करिए। और कुछ जो मैं बताता हूं यहां से वो करना है, क्या करना है इसके साथ, इसके साथ ये करना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या करो, यहां से ले लो क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक कहां मिलेगा आप सबको पता होगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो मैं बताऊं थोड़ा कर लीजिएगा, यहां से क्या करिए, यहां से करिए, आपका पेपर जो एग्जाम आपका है वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां से पीसीएस, पीसीएस में अगर आप देखो तो चाहे यूपी का पेपर कहीं से मिल जाए और एक आपको बिहार का मिल जाए, ये भी देख लेना। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त ये लोग आप करोगे नहीं, मुझे मालूम है आप करोगे नहीं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एक पेपर होता है एनडीए का और प्लस एक पेपर होता है सीडीएस का। अब आप कहोगे सर एनडीए सीडीएस का है पढ़े, तो बाबू यहां से सिंपल बात है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर, और इसके जीएस क्वेश्चन आप देखोगे डिक्टो छाप के आप एग्जाम में रख देता है, डिक्टो छापता है किसी भी आपका, उसको ले लीजिए ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स चाहे जो ले लीजिए, यहाँ डिक्टो उठा के छाप देता है। क्यों, जो एग्जामिनर अलग क्वेश्चन कहाँ बनाएगा, और इसका जो पेपर होता है एनडीए सीडीएस का वो एक साल में दो बार होते हैं, तो इसके इसके इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको लगाने के बाद आपको समझ में आएगा इसके क्वेश्चन लगाने चाहिए, और तब आप देखोगे आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट करता नहीं मैं वही चीज बता रहा हूँ क्यों फेल होते हैं, यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहली बात बुक ठीक ठाक होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त आपकी यहाँ से शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स जो है चाहे वो आप खुद बनाए, सेल्फ बनाए, और चाहे आप इसको मार्केट से लें, मार्केट से लेंगे उतना बेहतरीन नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं लूशियन भी चलेगा, लूशियन टाइप की बुक, और कुछ चीजें इसमें आप क्या करें अपनी तरफ से ऐड कर दें, ये आपको करना चाहिए। फिर इसके अलावा आता है प्रैक्टिस सेट, आता है
प्रैक्टिस सेट किसी भी मार्केट को ले लो, प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते, क्वेश्चंस कह सकते हैं। इसका कम से कम 20 से 25 बार क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, एक दो बार करके छोड़ देता है। करने के भी स्टेप्स हैं, पहली बार जब करना है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेंसिल से जो नहीं आया टिक करना है, दोबारा जब सॉल्व करने हैं ब्लू कलर से वो टिक करने हैं जो आपको नहीं आए हैं, पेंसिल वाला इरेज कर देना क्योंकि वो आप आ चुके हैं। तीसरी बार जब करो जो पेन ब्लू कलर से किए थे लगता है अब उसमें से 3-4 क्वेश्चन ही छूट रहे हैं, उसको ग्रीन कलर से टिक कर दो। लास्ट में फिर रिवीजन करो तो क्या करो, जो उसमें से नहीं आ रहा उसको रेड कलर से कर दो। अब अगली बार जो रिवाइज करना केवल रेड वाले करना, बाकी सब छोड़ देना, ठीक है। तो रिवीजन के भी कई तरीके होंगे, तो इस तरह से आप करिए स्टेप बाय स्टेप। और ना सिलेक्शन हो तो आप मुझे बताइएगा, मेरा नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, फोन करके आप मुझे गाली देना अगर जो मैं मेथड बताऊँ, लेकिन जो बता रहा हूँ स्टोर नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर खत्म किया। कॉन्टिनेंटल स्लोप की अगर हम बात करें तो यहाँ इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जब हम इसके आगे चलाएंगे ढाल आता है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। ये ढाल की बात करें, जैसे आप यहाँ से ढाल अगर होता यहाँ से रखता कुछ टिकती नहीं, आगे बढ़ जाती और धीरे धीरे कर कहाँ चली जाती, इस वाले बॉटम पे चली जाती, ठीक है, इस वाले तल पे चली जाती। तो इसी के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में जो स्टूडेंट नए होंगे आप क्या करिएगा इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता रखा है कि महाद्वीपी बंगतट होते क्या है और उसको देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। इस तरह से कॉन्टिनेंटल स्लोप की हम बात करें तो ये वाला तल है, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज भी रखोगे यहाँ लुढ़क के यहाँ चला जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये वाला पार्ट नहीं रह जाता है। लेकिन होता क्या है ये जानना है, क्यों क्वेश्चन जो पूछने वाला एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बनाएगा कैसे, हो सकता है ये दिया हो, ये इंग्लिश में भी इसका जानना पड़ेगा आपको, ये दिया हो आपसे बोले कि इसको इसके क्रम में अरेंज करिए, 1 2 3 1 2 3 नंबरिंग देगा, इसको ऊपर नीचे कर देगा और आपको इससे अरेंज करने के लिए देगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग अलग पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे अगर देखें तेज कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म करें तो कॉन्टिनेंटल राइज आता है। कॉन्टिनेंटल राइज की बात करें जिसको हम महाद्वीपी उभार के नाम से जानते हैं, इसको मैंने आपको नहीं बताया था, इसको यहां मैं बता देता हूं। यहाँ की अगर हम बात करें तो महाद्वीपी मंग ढाल के गहराई के साथ साथ जो उत्तरोत्तर ढाल है, जो ये वाला ढाल है यहाँ वाला, जो यहाँ वाला जो ढाल है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ वाले ढाल की, जो क्या करता है स्लोप को और यहाँ पे जो तली है उसको जोड़ने का काम करता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। जब यहाँ की हम बात करेंगे तो यहाँ से क्या है इसकी प्रवणता गिरावट होती जाती, जब ढाल की प्रवणता कितनी लगभग 0.5 मतलब आधे डिग्री से आधे अंश से एक अंश के मध्य होता है तो उसे महाद्वीपी उभार कहा जाता है। बढ़ती गहराई के साथ साथ उभार समतल होता जाता है और आगे इसका वितली मैदान मतलब एप्सल प्लेन में विलय हो जाता है, मतलब इस वाले प्लेन में मतलब समतली मैदान जो है इसके अंदर समुद्र के उसके साथ इसका विलय हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हमने इसके बारे में देखी है, बहुत डिटेल हमें नहीं जाना है इसके बारे में। चलो आगे देखा जाए, तो इस तरह से तीनों पार्ट मैंने इसमें बता दिए हैं आपको। फिर इसके बाद हम तली पे आए, तली में अगर हम देखें तो हमें तली पे अलग अलग संरचनाएं अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे पहले कहा गया था कि क्या है ये समतल है, तो समतल नहीं होकर के कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें अगर हम देखें तो हमें मैदान वाले भाग भी दिखाई देते हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र भी दिखाई देते हैं और ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से ये कटक हमें दिखाई देता है। कटक क्या होता है मैंने आप लोग को कल ही बताया है कि अगर आप देखें तो होता क्या है, जब हम यहाँ पे देखें इस वाले पार्ट में जब इधर की प्लेट्स के बारे में पहले पढ़ा रखा है मैंने, प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, कन्वर्जन दूर अगर जाएगी डाइवर्जन कहलाता है, दूर जाती हैं, तो यहाँ की प्लेटें क्या करती हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो इसी के नीचे क्या है मैग्मा है, कुछ ऐसा कुछ होगा, यहां नहीं दिया है मैंने, यहां पे क्या है ज्वालामुखी वाला पार्ट क्या करता है, इसको यहां से आने की कोशिश करता है लावा, ठीक है। यहां से जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है पूरी तली ये क्या करता है तोड़ करके ऊपर आता है और यहीं पे जमता है, जम जाएगा तो यहां क्या बनेगा छोटा छोटा यहां से
पर्वती भाग बनेगा, यहां से माउंटेन बनेगा इस तरह से, तो हम क्या कहेंगे इसको, कटक के नाम से जानते हैं, ठीक है कटक। चलिए फिर इसके बाद क्या होगा, जब दो तली ऐसे हटेगी तो गहराई भी होगी, ठीक है, उसको हम क्या क्या नाम देते हैं, गर्त के नाम से नाम देते हैं। तो यहां पे हमने देखा है गहरे मैदानी सागरी वाले पार्ट को पहले देख लेते हैं। सागरी मैदान महासागरी जल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है जिसकी गहराई 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक होती है, इसको मैंने बता रखे हैं और इस तरह से हमें ये दिखाई देता है, ठीक है, ये मैंने अभी बताया। फिर इसके बाद जो रिज है, यहां मैंने बताई जो रिज की हम बात करें, कटक की बात कर रहे हैं, तो ये वाले जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये वाले पार्ट जो आपको लहराते हुए दिख रहे हैं, ये वाले पार्ट, यही हमारे क्या कह रहे थे रिज, और कैसा दिखाई देता है, ये पहाड़ियों की तरह दिखाई देता है, ठीक है पहाड़ी, लेकिन हम पृथ्वी के स्थलीय खंड पे इनको पहाड़ कहते हैं, पर्वत कहते हैं, लेकिन यहां हम क्या कहेंगे इसको, कटक के नाम से जानेंगे। अब ये जो दिख रहा है बीच में आपको, ये गहराई दिख रही है यहां से, देखिए ये वाला पार्ट था जो रिज वाला पार्ट था, ये वाला है, यहां से अगर हम बात करें रिज के पार्ट की, तो यहां पे महासागर तल से ऊपर उठा हुआ एक दीर्घ उभार जो विशेषता अटलांटिक महासागर के मध्य हमें दिखाई देती ज्यादातर। और अगर हम देखें जब अटलांटिक महासागर की बात करें, जिसमें हमने देखा इधर अफ्रीका है, अफ्रीका है, यूरोप है, इस वाले पार्ट में देखें उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका वाले पार्ट में अटलांटिक महासागर, तो ये रिज हमें जो दिखाई देगा तो उभरा हुआ दिखाई देगा और पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस और सबसे लंबा है। जब हम बात करें तो उत्तरी वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को हम किसके नाम से, डॉल्फिन रिज के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को हम लोग चैलेंजर रिज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, आगे जब हम बात करेंगे यहां से महासागरी कटक के बारे में, तो ये आप देख सकते हो आराम से यहां से, इसके बारे में थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं। यहां पे यहां जब देखें तो ये जो आपको दिख रही है अलग अलग प्लेटें रही होंगी, तो इस वाले भाग की बात करें हम, जो यहां मैं अभी बात कर रहा था इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको आपको इंग्लिश के जो शब्द है एस, उसकी जैसा दिखाई देता है। तो यहां हम जो बात करें इस रिज की बात कर रहे हैं, यही रिज क्या है सबसे फेमस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां से मिडिल ओशनिक रिज के नाम से जानते हैं, जिसको MOR, यहां से देखें तो ये क्या कहलाता है हमारा, यहां से अटलांटिक रिज, ये वाला जो पार्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या इस किसमें आता है, अटलांटिक महासागर में। जब इसको हम क्या करें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हम लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने पीछे अभी बताया है आपको, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी और रिज हैं, यहां अगर हम चले जाएं उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से इधर चले जाएं तो ईस्ट पैसिफिक रिज कहलाता है, ठीक है। यहां पूर्वी प्रशांत महासागरीय रिज है, इधर अगर चले जाएं तो यहां पे चिली कटक है, चिली का कटक है या रिज है। इधर अगर हम चले जाएं जॉन डे फ्यूका का रिज आता है, जॉन डे फ्यूका का रिज, ठीक है, जॉन डे फ्यूका कटक कहलाता है। इसी तरह से अगर हम भारत देश के इधर चले जाएं जो अटला, यहां हमारे पास हिंद महासागर है, सेंट्रल इंडियन रिज कहलाता है, केंद्रीय इंडियन, यहाँ पे बोले भारतीय रिज के नाम से बोलेंगे यहाँ पे। इधर अगर हम चले जाए तो यहाँ साउथ ईस्ट इंडियन रिज आएगा, तो अलग अलग नाम, लेकिन इतने नाम हमें रटने नहीं आपके एग्जाम के लिए। आपको क्या याद होना चाहिए, केवल ये वाला पार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको दो भाग में, उत्तर वाला भाग दक्षिण वाले भाग, तो उत्तर दक्षिण वाले भाग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और इनका हमने क्या किया अलग अलग नाम दिया, उत्तर में डॉल्फिन रिज के नाम से और दक्षिण में हमने क्या कह दिया चैलेंजर रिज के नाम से इसका नाम रखा है, ठीक है। ये चीजें आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। बाकी जो इतनी पार्ट है आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा, तो इसके बारे में मैंने डिटेल से पिछले क्लास जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा था वहां मैंने इसको पढ़ा रखा है, समझा रखा है डिटेल से, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और जिनको बाद में पढ़ना होगा इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपने स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा, बाद में आप इसको आराम से पढ़िएगा, सारी चीजें मैंने समझा रखी है। जो स्टूडेंट नए आएंगे आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो हम लोग आते हैं कहां से, पृथ्वी के महासागर के अंदर चले तो महासागरी गर्त हमें मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओशनिक ट्रंचेस के नाम से जानते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। जब ओशनिक ट्रंचेस की बात करें, जैसा कि आप पहाड़ी पे हो, अपने स्थल खंड पे पहाड़ पे जाएं तो आप वहां से झांकेंगे ना तो ये हमें गहराई दिखाई देगी, लेकिन ऐसे ही हम इसके महासागर के तली पे चले जाएं, महासागर के तल पे चले जाएं तो ये भी हमें क्या करेगा यहां से गहराई दिखाए, और हम यहां से गिरे तो यहां पे डूब जाएंगे, ठीक है, कई किलोमीटर तक नीचे जा सकते हैं। जिसमें हम लोग देखे मारियाना ट्रंच लगभग कितना है 11 किलोमीटर तक जाता है। उसके अलावा भी अलग अलग गर्त हैं, तो उन गर्तों को हमें देखना है। अब ये गर्त बनी कैसे होगी, कल मैंने बताया था कि होता क्या है भाई कि हमारे यहाँ इस तरह से अगर क्या हो जाए
इस तरह से क्या होती है, ये पहाड़ पहाड़ियां, ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे की आई और जो भारी प्लेट है इसके अंदर चली गई, तो ये बीच में क्या रह गया, गड्ढा रह गया, बीच में क्या रह गया, ये गहराई वाला पार्ट रह गया, और यही पार्ट क्या है, इसके ऊपर जब पानी भर देंगे तो यही वाला क्या कहता है, ये यहाँ पे ट्रंच बना रह जाता है, ठीक है, यही गर्त बना रह जाता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले विश्व की सबसे गहरी गर्त मारियाना ट्रंच है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है मारियाना गर्त कहाँ मिलता है ज्यादातर, क्या बताएंगे, ज्यादातर नहीं, मारियाना ट्रंच वहीं मिलता है, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, और कहाँ पे उपस्थित है, फिलीपींस के तट पर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, बता रखा है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग जो गर्त हैं पूरे विश्व में, ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां से बताने की कोशिश करी है, ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम दे रहा हो वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से यहां पे देख लेते हैं, चलो देखा जाए। सबसे पहले पहले समझा दूं कि है क्या ये। यहां पे देखो, जब आपको विश्व का मैप मैंने बोला है कि दिमाग में रखिए, यहां अगर देखें तो क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका है। इधर से अगर हम बढ़ते चले जाएं तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है, और यही वाला पार्ट अलास्का है, अभी पीछे आया था ना, यही वाला पार्ट क्या है, अलास्का है। इधर से अगर हम आगे बढ़े तो ये वाला पार्ट हमें देखें, ये एशिया वाला पार्ट, एशिया वाले पार्ट में देखें तो रूस वाला पार्ट, इधर चले जाएं तो हमें जापान वाला पार्ट, इधर कोरिया दिखाई देती है, और फिर इधर अगर देखें तो इधर हमें छोटे छोटे द्वीप के रूप में देखें तो कहीं फिलीपींस आ जाता है, ताइवान आ जाता है, इस तरह से देखें तो ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया का है, इस तरह से ये इंडोनेशिया वाला भाग छोटे छोटे पार्ट है, ये हमें दिखाई देते हैं। तो इन्हीं को हमने क्या कहा था, यहां से हमने देखा था ये पूरा प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, और इसी में हमने देखा जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, और रिंग ऑफ फायर वाले एरिया मैंने बताया वोल्केनो सबसे ज्यादा आते हैं, उसी वजह से रिंग ऑफ फायर पड़ा। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो भूकंप वाले भी पार्ट आते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो इसलिए ऐसा होने के कारण है, तो इस वजह से क्या बना होगा, गर्त बना होगा, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस वजह से भी गर्त बना होगा। तो गर्त कौन कौन से हैं आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको हम यहां से देख लेते हैं। नहीं, निषाद किरण नहीं, टेट के लिए भी है, लेकिन सारी चीजें सिलेक्ट करके हम टेट के लिए ये वाला, फिर इसके लिए ये वाला, अलग अलग एग्जाम के नहीं, आप उसे देखते चलिए, टेट के अतिरिक्त भी आप एग्जाम दोगे, ये टेट के लिए भी है, जैसा कि पीजीटी के लिए है, एलटी के लिए है, जीआईसी के लिए है, और जीएस के लिए अदर पार्ट के भी आप एग्जाम दोगे वहां के लिए है। लेवल मैंने क्या रखा है, आपके एग्जाम का लेवल यहाँ है, थोड़ा सा उससे मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बनाए और आप कोई भी पेपर दे, एक ही बार पढ़े, ढंग से पढ़े, पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां, मैं पीसीएस लेकर के उससे रिलेटेड कोई भी पेपर आप दीजिए, आपके एग्जाम के लिए काम का है, ठीक है। बाकी जहां अलग सब्जेक्ट में, जैसे मानव भूगोल आता है, वहां के लिए नहीं है ये, बहुत डिटेल आप जाएंगे, मानव भूगोल मैंने इसमें नहीं पढ़ाया और वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए हाँ, एकता वर्मा बिल्कुल सही है। यहां से बात करते हैं सबसे पहले, अब देखो यहां ध्यान देना भाई, क्वेश्चन पूछता है आपके लिए, यहां पे देखें ऑल्टिनियन ट्रेंच आता है, इंग्लिश में लिखा है लेकिन नाम है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्टिनियन ट्रेंच आता है। फिर इसी से जब हम आगे बढ़ जाए यहां से, और कहां हम देखें, मेरी स्क्रीन पे मेरे थोड़ा पास पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझको यहां से, इसी से थोड़ा आगे देखें तो हमको यहां पे दिखाई देगा क्यूरल ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच के आता है यहां पे, के यू आर आई एल, क्यूराइल ट्रेंचेस, ट्रेंचेस को हम लोग गर्त के नाम जाते हैं, तो क्यूराइल गर्त के नाम से आएगा। उधर हमने देखा ऑल्टिनियन गर्त है, फिर आगे जब हम बढ़े जापान के इधर, तो इधर अगर लेफ्ट राइट देखें तो ये हम जापान ट्रेंच के नाम से, इसी से थोड़ा लगा हुआ नीचे चल आए तो यहाँ पे ट्रंच हमें मिलता है, गर्त मिलता है। फिर थोड़ा सा और आगे यहाँ पे रुकुयो ट्रंच मिलता है। अब सारे नाम याद करने हैं क्या, तो सारे नाम याद नहीं करने हैं, केवल अगर देखें तो ऑल्टिनियन ट्रंच बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, उसके अतिरिक्त आपसे क्यूराइल ट्रंच के बारे में पूछा गया, कहाँ उपस्थित है, तो ये आपको लोकेशन मैंने बता रखी है, ठीक है।
फिर इसके बाद जब आप आएंगे तो आपको पूरे विश्व में सबसे गहरी और सबसे फेमस ट्रंच मिलेगी, वो कौन सी है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, फिलीपींस से थोड़ा सा दूर, जिसको हम लोग बोलते हैं मारियाना ट्रंच के नाम से, मारियाना ट्रंच। यहाँ पे महासागरी मैदान में आएगा, महासागरी ढाल में कैसे उभार होगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आएंगे ये किसमें आएंगे, महासागरी मैदान में आएंगे, ठीक है जीएस पांडे जी। चलिए आगे देखा जाए, क्योंकि ये हवाएं किसके हैं, तली वाले भाग हैं। जब मैं शुरुआत से पढ़ा रहा था तो शायद आपने लेक्चर नहीं देखे हैं, शुरुआत में अगर आप देखोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, एक मिनट आप वेट कर लीजिए। देखिए शुरुआत वाले लेक्चर में यहां पे आइए, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। जब यहां नितल मैदान को देखेंगे, मैदान के अंतर्गत ये चारों पार्ट हमने लिए हैं, चारों पार्ट इसके अंतर्गत आएंगे ना कि इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, आई होप आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां से बात करते कुछ और जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर अगर देखें ये जो लो पार्ट कहलाता है सुंडा पार्ट कहलाता है, सुंडा ये हमारे क्या है, सुंडा और जावा ट्रंचेस के नाम से। आगे जब इधर बढ़े हम लोग, मिडिल अमेरिकन ट्रंच, ये अमेरिका वाला पार्ट आएगा, ये वाला गर्त कहलाएगा। इधर आप देखोगे तो पेरू और चिली, ये वाला पार्ट है पेरू और चिली वाला पार्ट, तो पेरू और चिली का ट्रंच कहलाता है। फिर इधर अगर हम चले जाए टोंगा ट्रंच कहलाता है, यहाँ पे अगर हम आ जाए कार्मेट ट्रंच आता है। फिर इसके बाद देखो सारे नाम याद नहीं रखने हैं, कुछ के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से नाम याद रखने हैं वो यहां देखो, ये भी सारे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जो मैंने बताने की कोशिश करी उस मैप पे। यहाँ पे पेरू रियो ट्रंच के नाम से, पेरू ट्रिल यहाँ पे साउथ सैंडविच के नाम से, तो ये अलग अलग जो अभी आपको मैंने समझाए हैं, तो कौन कौन से याद करके रखने हैं उसकी लिस्टिंग आपके पास ये स्क्रीन पे है। आप चाहें तो आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, या अगर हो सकता है कि आपके बुक में ये अवेलेबल हो पढ़ लीजिएगा। जैसे इंग्लिश में भी दे रखा है मैंने, हिंदी में दे रखा है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें हिंदी में, यहां अगर देखिए, ठीक है, यहां पे समझिए, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मारियाना ग्रत की, ठीक है, मारियाना ग्रत ये कहां पे है, प्रशांत महासागर में और सबसे गहरी है, ठीक है, लगभग लगभग कितना 11,000 मीटर या जिसको हम बोलते हैं 11 किलोमीटर में, ठीक है। फिर इसके बाद देखे टोंगा ट्रंच आता है, टोंगा टोंगा की बात करते हैं कहां पे उपस्थित है, ये प्रशांत महासागर में। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस ट्रंच की बात करें, गर्त ये कहां उपस्थित, प्रशांत महासागर में। कोरिल कामचटका ट्रंच के नाम से, कोरिल अभी हमने देखा है जापान के ऊपर वाले पार्ट में, या जो हमने देखा रूस वाला पार्ट उसके नीचे, तो यहाँ पे देखे कोराइल ट्रंच मिलता है हमको, जिसको हम प्रशांत महासागर में उपस्थित है। फिर कार्माडेक ट्रंच की बात करें, प्रशांत महासागर। एजू बेनिन की बात करें, वो भी प्रशांत महासागर। जापान ट्रंच की देखें, ये भी प्रशांत महासागर। अब इतनी यहां से इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ये वाला भाग जो देखा जाए ज्यादातर प्रशांत महासागर में ही है, तो प्रशांत महासागर में इसलिए है कि शुरुआत में अगर हम चले जाएं प्लेट टेक्टोनिक में, तो प्लेटें इसकी प्लेट बृहद है और बड़ी प्लेट होने की वजह से ये अमेरिका के साथ तो लगती ही लगती है, ये यूरोप के एशिया यूरेशिया के यूरेशियन प्लेट के साथ लगती है, तो इसलिए क्या है बड़ा एरिया कवर करती है, इसलिए अधिकतर जो हमें गर्त मिलते हैं वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। उसके अतिरिक्त देखें तो प्यूर्टो रिको यहाँ पे ट्रंच जो अटलांटिक में है, फिर इसके दक्षिण सैंडविच अटलांटिक और अटाकामा यहाँ पे प्रशांत। तो अगर इसको आप देखेंगे जब इनके लोकेशंस को, ये लोकेशंस आप लोग को आराम से दिखेगी, ये साउथ सैंडविच वाला ट्रंच है, जैसा कि पीछे मैंने अभी फिगर में आप लोग दिखाया था, जिसमें यहाँ से लाइन होती हुई ऐसे आई थी, ठीक है। फिर इसके बाद देखें प्यूर्टो रिको ट्रंच यहाँ पे है, और यहाँ पे पेरू चिली ट्रंच है, ये मैंने आप लोग बताया था, क्यूराइल कमचटका ट्रंच यहाँ है। फिर इसके बाद इजू ट्रंच बताया था, यहाँ जापान ट्रंच है, यहीं पे देखें तो मारियाना ट्रंच है जो आपको लोकेशन मिल रही होगी, ये रहा फिलीपींस ट्रंच, यहाँ पे देखें टोंगा ट्रंच दिखाई देता है, और ये वाला पार्ट हमारे पास देखें कार्माडेक ट्रंच है। ट्रंच को हम गर्त के नाम से ले रहे हैं भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबके नाम आप चाहे इंग्लिश लिखो चाहे हिंदी में, ट्रंच का मतलब क्या होता है, गर्त होता है, ठीक है। तो ये सब गर्त है, मारियाना गर्त के नाम से, तो ये मैंने आप लोग को बताया है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। कुछ द्वीप आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखने वाली बात है। द्वीप की अगर हम बात करें, इस पे लिखा है, उस पे इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा इसको। यहाँ पे द्वीप की जब हम बात करते हैं, द्वीप समूह, तो द्वीप हमें दिखाई देते हैं लेकिन हम उसको देखकर नहीं बोल सकते कि किस टाइप का द्वीप होगा ये। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ज्योग्राफर्स ने काम कर रखे हैं। तो अलग अलग हैं, कितने प्रकार से, चार प्रकार दिखाई देते हैं कैसा कैसा द्वीप है। एक अगर बात करें जिसका निर्माण किससे है हुआ हो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के कारण, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते, एक कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट आएगा, जैसे एग्जाम्पल अगर ले, ये अगर अफ्रीका वाला पार्ट है तो एक हमें मेडागास्कर यहां दिखाई देता है, ठीक है, ये मेडागास्कर वाला पार्ट। और ज्वालामुखी वाला एग्जाम्पल ले तो हमारा भारत देश है, भारत देश यहाँ पर देखें अंडमान निकोबार वाला पार्ट देखें, या अगर हम एशिया बढ़ जाए आगे जो जापान और इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ये हमें ज्वालामुखी द्वीप इस तरह दिखाई देते हैं। फिर एक आता है कोरल, जिसका निर्माण कोरल से हुआ हो, तो उसकी अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो ये कौन सा पार्ट आता है जिसमें हमने देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, कोरल, कोरल तो है लेकिन ये द्वीप नहीं है। इधर फिजी उजी वाला पार्ट देख लें जिनका निर्माण हुआ है, नौरू ओरू पार्ट देख लें, यहाँ के जो द्वीप बने हैं वो किससे बने, कोरल से। एक आता है सैंड बार आइलैंड्स है, सैंड बार आइलैंड्स का मतलब ये हुआ कि अगर स्थली पार्ट है उससे थोड़ा दूर क्या होता जाए, बालू जमा होता जाए, कौन सा, समुद्र का, उससे जो आइलैंड बन जाए उसको हम क्या बोलेंगे, बालू वाला पार्ट से बना हुआ आइलैंड। तो चार प्रकार के हैं, चार अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ से देखते हैं। आते हैं भाई, बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइलैंड में, तो कॉन्टिनेंटल, वेल्कनिक, कोरल और यहाँ पे सैंड बार्स, ये हमने बताए हैं। इनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, केवल इनका नाम आप सुने रहिए कि हाँ भाई कॉन्टिनेंटल जो महास्थली पार्ट हैं उनसे, उनके जो यहाँ से वेल्कनिक है ज्वालामुखी वाले भाग हैं, कोरल से बने हैं और किससे, बालू से बने हुए अलग अलग भाग कैसे होते हैं ये आप देखिए इसको स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहां तक जो लोग मुझसे अभी जुड़े हुए हैं, किसी को किसी प्रकार की समस्या समझने में या समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है आप सबको किसी किसी प्रकार की समस्या समझने में, प्लीज बताइए। किसी को समझने में किसी प्रकार की समस्या, समझ में आ रहा सबको, तो मुझे आप मैसेज करके बताइएगा, यहां मैं और चीजें आपको बताता चलूं, तो किसी प्रकार समस्या नहीं आनी चाहिए। ये वाला पार्ट देखे तो अफ्रीका वाला पार्ट, यहीं पे देखे तो मेडागास्कर वाला पार्ट जिसकी हमने बात की है, किसका, यहाँ से महाद्वीपी वाला पार्ट, सॉरी द्वीप वाला पार्ट। जब हम द्वीप समूह की बात करें तो ये वाला कौन सा पार्ट आ जाता है, ये हमारा स्थलखंडी, यहाँ पे जिसका निर्माण किससे, स्थलखंडों से हुआ है, इसके टूट फूट से हुआ है। जब हम बात करते हैं किससे, ज्वालामुखी से, यहीं पे अगर हम बात करें किससे, ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, ये ज्वालामुखी वाली प्रक्रिया देख सकते हैं आप कि क्या हो जाए, ज्वालामुखी इस तरह से अब बाद में धीरे धीरे करके आ जाए, ये ज्वालामुखी आइलैंड आपको दिखाई देगा। मतलब पहले एक ज्वालामुखी पार्ट था, फिर इसके बाद ये बुझा हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे देखें एक्सटेंट या है, तो यह क्या होगा, ज्वालामुखी ये भी क्या निर्माण करेगा, द्वीप समूह या द्वीप निर्माण करेगा, ठीक है। इस तरह हम इसको देख सकते हैं, जैसे भारत देश में बैरन आइलैंड की बात करें वो हमें दिखाई देगा। आगे देखा जाए तो आगे क्या मिलता है यहाँ पे, टाइप ऑफ आइलैंड में, जिसमें हमने कहा सैंड बार लैंड, जिसको हमने देखा बालू से निर्मित हुआ है, या अगर हम देखें कोरल से निर्मित है तो कोरल वाला पार्ट हमें क्या दिखाई देगा, ये स्थल वाला पार्ट है, स्थल वाला पार्ट रहा होगा। उसके किनारे किनारे क्या है, कोरल इतने पार्ट में अगर जमा है, ये जो आइलैंड कहलाएंगे, ये जो आइलैंड इससे लगा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, कोरल आइलैंड के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है हमको एटॉल का, वो हम देखें एटॉल होता क्या है अभी बाद में। चलो आगे देखा जाए, ये वाला भाग देखते हैं, ये जमीन वाला भाग है, इससे जो यहाँ पे देखें तो बालू वाला पार्ट जो जमा है, इनसे जो आइलैंड बना उसको हम बोल रहे हैं किसमें, सैंड बार आइलैंड्स बोलते हैं। बार मतलब क्या हुआ, लंबी रेखा की तरह, ठीक है, इस वाले पार्ट को। चलो आगे देखा जाए, एग्जाम्पल देख लेते हैं अलग अलग, उसमें जब हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर देखें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जब हम लोग ज्वालामुखी वाली बात करें, यहां से ज्वालामुखी,
ज्वालामुखी निर्मित अगर बात करें तो हमको जापान दिखाई देता है, फिलीपींस, कुराइन और यहाँ पे एल्तुनियन वाला जो पार्ट है। ये जो द्वीप समूह है जापान, फिलीपींस, क्यूराइल और एल्तुनियन वाला पार्ट, इनका जो निर्माण है किससे है? वेल्कनिक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, अंतर पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, डिफरेंट है, वो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इसमें कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट करें, यहाँ पे भूमि से निर्मित अगर बात करें उनसे अलग हुआ है, श्रीलंका की बात कर सकते हैं, हमारे भारत देश से अलग हुआ श्रीलंका। फिर अगर बात करें यहाँ से मेडागास्कर वाला पार्ट, फिर बात करें वैनकूवर, आपको इतिहास में मिलेगा, ठीक है, इतिहास में भी आपने सुना होगा, अमेरिका के तट पे आपको मिल जाएगा। फिर आता है एक बैफिन आइलैंड मिलता है, ठीक है, इन सब की लोकेशन भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो कैसा ये कॉन्टिनेंटल से बना हुआ है। फिर एक आता है कोरल से बना हुआ, तो लक्षद्वीप वाला पार्ट जो आपने सुना होगा, आपने सबसे छोटा देखें तो आइलैंड जो हमारे भारत देश का है केंद्र शासित प्रदेशों में। फिर आता है इसमें मालदीव वाला भाग देखें, जो देश है मालदीव, उसका भी निर्माण किससे है, यहाँ पे कोरल से है अधिकतर पार्ट। फिर आपने मॉरिशस के बारे में सुना होगा, उसका निर्माण भी इससे से हुआ है। फिर अगर आप देखें बहामा बरमूडा की बात करें, ठीक है, बहामा बरमूडा, ट्रायंगल के बारे में आप सुना होगा, वही वाला एरिया है जिसमें हम कैस्पियन सागर की बात करते हैं, उस वाले क्षेत्र में। अब इधर अगर हम आ जाएं सैंड बार से, तो लॉन्ग आइलैंड, ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, और कहाँ पे है ये? न्यूयॉर्क में। पूछता है कि लॉन्ग आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ है उपस्थित है, तो ये आप याद रखिएगा कहाँ पे, न्यूयॉर्क के पास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। चलो आगे देखा जाए, जिसमें ओशनोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ के नाम से, जिसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्तियों के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा प्रवाल भित्ति। इसके नाम जानते हैं प्रवाल भित्ति के नाम से, कोरल रीफ से। ओशनोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसको हमें पढ़ना है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अर्चना यहाँ पे जीएस की एक क्लास चल रही है, बाकी आप फोन करके पूछ लो क्यों नहीं चल रही है, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, मेरी एक बजे क्लास होती है, जो नए स्टूडेंट हो जान लें, एक बजे डेली होती है, बाकी जीएस क्लास आगे पीछे होती है तो उनके बारे में मुझे डिटेल नहीं मालूम, ठीक है। आगे देखिए, छुट्टियों का समय चल रहा है, कुछ लोग का इंटरव्यू है या आज रिजल्ट आया है, तो ऐसा कुछ होगा, खुशी और गम वाला पार्ट सारी सिलना चल रहा हो। आगे देखते हैं, कोरल रीफ होते क्या है, इंग्लिश में लिखा भी हिंदी में भी आएगा। अगर हम कोरल की बात करें, पहले यहां देख लेते हैं क्या, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इसके आगे हम कल ही देखेंगे बाकी चीजें। प्रवाल भित्तियों को अगर देखें तो प्रवाल भित्तियां होती क्या है उसके बारे में ठीक समझते हैं। प्रवाल भित्तियों में अगर फर्स्ट पॉइंट हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि बहुत छोटे जीव होते हैं, इनका जो शरीर है वो बहुत ही मुलायम होता है, जैसा कि हमारा शरीर है, हम क्या करते हैं अपने ऊपर कपड़े ढक कर रखते हैं, लेकिन ठंडियों में हम क्या होते हैं, ठंडियों में ज्यादा कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, ताकि वातावरण से हमारा बचाव हो सके ठंड से। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं पॉलिप्स की, इसकी बात करते हैं, कोरल की बात करते हैं, तो इनका शरीर इतना मुलायम होता है, इसलिए अपने चारों तरफ एक आवरण डालते हैं कैल्शियम का, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये अगर जीव है अपने चारों तरफ क्या करते हैं, आवरण डालते हैं किसका, कैल्शियम का, जिससे हमारी हड्डी भी बनी है। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक संरक्षण देता है इनके शरीर को, किससे, बाहरी वातावरण से भी, और इनके शरीर को एक प्रोटेक्शन देता है। एग्जाम्पल तो कोरल का नहीं है, लेकिन जैसा कि आप एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अपने घर पे अगर आप देखें, बालू देखा होगा आपने, जिससे घर बनता है बालू में, उसमें देखिए शंख मिल जाते हैं, छोटे छोटे सीप मिल जाते हैं, बचपन में आपने खेला होगा, ठीक है, जिसमें मोती निकाली जाती है, उस टाइप का भी हमें सीप दिखाई देता है। उसको आप देखें तो सफेद कलर का होता है, दीवार पे बच्चे उसे खिंचाते भी हैं, उसको अगर आप तेजी से जमीन पे पटके तो टूट भी जाता है, वो बने होते हैं कैल्शियम से। ऐसे ही क्या होता है, इसका भी निर्माण होता है कैल्शियम से, ठीक है। अब ये कैल्शियम से निर्माण तो हो गया, इसको भोजन चाहिए, तो होता क्या है, शैवाल होता है, जियो प्लैंकटन के नाम से, जो प्लैंकटन क्या करता है, कहता है भाई ठीक है आपके पास तो क्या हो गया, आवास हो गया, कैल्शियम की मजबूत एक परत हो गई, आप क्या करिए, मुझे अपने ऊपर क्या करिए, रहने दीजिए, ठीक है, कहता है मुझको अपने ऊपर रहने दीजिए।
और ये क्या करता है, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करता है, और क्या बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, और शैवाल कहता है कि आप ये भोजन ले सकते हैं। और शैवाल इसको क्या करता है, अपने ऊपर निवास देता है और उसके भोजन के रूप में, किराए के रूप में लेता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अन्य कारणों की वजह से होते क्या है, ये शैवाल क्या होते हैं, मरते हैं। जब ये शैवाल मरेंगे तो होगा क्या, होगा क्या, इनका जो शरीर है, शैवाल छोड़कर के इनको चला जाएगा, ठीक है। जब शैवाल अलग होना शुरू हो जाएंगे, विलगन होगा उनका, तो इनके पास क्या बचेगा, केवल कैल्शियम वाला पार्ट बचेगा, जिसके ऊपर शरीर केवल बचेगी, कैल्शियम वाला पार्ट बचेगा। जैसे कि आपके घर पे आपको शंख दिखता है, जो बालू वाला पार्ट, अब जब कोरल उससे उससे शैवाल अलग हो जाएगा, तो इसके ऊपर इसका केवल यही वाला पार्ट बचेगा। अब धीरे धीरे करके समय के साथ, जब इसको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, ये मर जाएगा, मर जाएगा। इसका जो रंग था पहले, जब शैवाल था तो किस कलर का था, ये था किस कलर का, ग्रीन था। अगर इस पे शैवाल हटा दें हम, तो हमें किस कलर दिखाई देता है, ये पिंक दिखाई देता है, ठीक है। जब ये मर जाएगा तो हमें किससे दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, सफेद। क्यों, क्योंकि वो किससे बना है, कैल्शियम। तो कैल्शियम किससे होगा, सफेद कलर का, ठीक है। तो अब देखें तो परवाल हुआ, और उसी को बोलते हैं परवाल विरंजन बोलते हैं। विरंजन जो वर्ड है वो किसका है, केमिस्ट्री का वर्ड है, ठीक है। विरंजन का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी आपके सामने रंगीन शर्ट पहनी है, आप क्या करते हैं, घर पे आला यूज करते हैं, जो इसका रिन का आता है। तो जो आप अगर देखें घर पे, व्हाइट कलर की आपकी अगर रुमाल है, उस पे अगर कुछ हल्दी या कुछ और लग गया हो, तो आप क्या करते हैं, उसको आला में डुबा करके जब फैलाते हैं, तो वो फिर से उसी तरह चमकदार सफेद बन जाता है। वैसा क्यों हुआ, तो उसमें जो आला आपने यूज किया, उसमें क्या होता है, विरंजन गुड़ होते हैं। वो क्या करता है, जो कपड़ा है सफेद कलर का, उसमें जो दाग लगा है, उसके कलर को उड़ा दिया, और किसमें कन्वर्ट कर दिया, सफेद कलर में, ठीक है। ये जो प्रोसेस कहलाई, ये विरंजन कहलाया। कुछ लोग को आपने देखा होगा, अपने बाल को रंगवाए होते हैं भूरे कलर से, तो एक्चुअली रंगा नहीं होता है, उनके कलर को जो बाल होता है उड़ा देता है, वो सफेद हो जाना चाहिए, फिर बाद में उस पे उसी वही जिससे उड़ाता है, वही क्या करते हैं, कलर ब्राउन कर देता है, ठीक है। तो इसलिए दूसरों कलर जब देखेंगे सर का, तो क्या होता है, अलग अलग कलर करवाए होते हैं, तो वो क्या होता है, विरंजन के गुण के कारण होता है। तो इसी तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाता है, सफेद हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रवाल विरंजन के नाम से, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में यहां तक देख लेते हैं। प्रवाल भित्तिया का निर्माण सागरी जीव, मूंगे या कोरल पॉलिप्स के अस्थि पंजरों के समेकन, मतलब एक साथ करके संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण, अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मैंने पहले क्लासेस में बता रखी है। जब आप लोग बात करें, यहां से 25 डिग्री की बात कर रहा है, 25 डिग्री की बात कर रहा है यहां से, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, इधर चले जाएं कितना, 23.5 अंश वाले पार्ट में इधर चले जाएं, तो इस वाले क्षेत्र में ही क्या होता है, इनका मिलने की चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उच्च अक्षांश वाले पार्ट हैं, मतलब 90 डिग्री से इधर वाले पार्ट हैं, इन इधर ही उपस्थित नहीं है, इधर ही उपस्थित नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको वातावरण केवल इतना ही चाहिए, सूर्य की उपस्थित निर्वार्य होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है कि कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं, तो 25 डिग्री उत्तर अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ये मिलते हैं, ठीक है। गहराई की बात करें, जब गहराई की बात करते हैं, तो गहराई कितनी लगभग होनी चाहिए, 200 से 300 फीट, इतने गहराई तक ही पाए जाते हैं। कौन सा एरिया जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंच सके, फोटिक एरिया भी मैंने बात करी थी, क्योंकि अधिक गहराई में भी क्या होगा, ये मर जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट है गहराई, फिट गहराई तक किसी द्वीप या तट के किनारे या सागरी चौतरे पर जहां सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं, वहां तक ये उपस्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है हमारे लिए। अब एक टर्म और आता है आपके लिए, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके सीडीएस में बनाया गया था, ठीक है। अलग अलग पेपर बनाए जाते हैं, सीडीएस में क्वेश्चन मुझे कई देखने मिले, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पूछा जाता है टेम्परेचर के बारे में, यहाँ पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक इनको तापमान की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा अगर कम कर दिया, इससे ज्यादा कर दिया, तब भी समस्या, मर जाएंगे। इससे नीचे अगर चले गए, ठंडा कर दिया एरिया, तब भी क्या होगा, इनका खात्मा हो जाएगा, ठीक
ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर भी आप याद रखिएगा, एक तो अक्षांश याद रखने हैं और दूसरा टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके देखें उच्च लवणता, लवणता की हम बात है, सलिनिटी मतलब कितना नमक उसमें घुला है, तो अधिक अगर सलिनिटी हम कर दें, ठीक है, अधिक सलिनिटी कर दें, जैसे डेड सी, ठीक है, जो मृत सागर है उसमें अगर ले जाकर इनको रखें तो वहां भी इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब है लवणता बहुत अधिक नहीं चाहिए, फिर क्या किया जाए, इनको लेकर के नदियों के मुहाने के पास रख दें तो वहां पे मीठा पानी भी अधिक नहीं चाहिए, तो ना तो अधिक लवणता हो ना तो मीठा पानी हो, कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच का होना चाहिए, ठीक है, जहां पे इनके अस्तित्व। तापमान इनके विकास के लिए आदर्श होता है, उच्च लवणता व अति स्वच्छ जल दोनों प्रकार प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। और अगर देखें यहां से आकृति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को तीन प्रकार से बांटा गया है, तीन प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं, उसमें अगर देखें तटीय प्रवाल भित्ति जिसको फ्रिंजिंग रीफ के नाम से, अवरोधक प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ के नाम से, एटॉल जिसको कोरल के नाम से, ये हम देखेंगे आने वाले कल के लेक्चर में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें होती है, जैसा कि पूरे विश्व में इनका वितरण, इसी में आप देखेंगे कि रीफ कैसे कैसे बनी हुई है तीन प्रकार की, उनमें अगर देखें तो जो रीफ होगी इसी में फ्रिंजिंग रीफ कौन सी है, बरियर रीफ कौन सी है, एटॉल क्या है, लैगून झील क्या होती, उनके बारे में हम यहाँ पे कल आने वाले क्लास में देखेंगे। और इसमें हम आगे जब बढ़ेंगे इसी कोरल रीफ में तो हमें यहाँ से बरियर रीफ दिखाई देगा, फिर इसी में चले आएंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे रीफ बनी है ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में, किस वाले पार्ट में रीफ पाए जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आए हैं। फिर अगर हम आगे जब बढ़ेंगे तो एटॉल आएगा, एटॉल में अगर देखेंगे तो कैसे रिंग की तरह है, कहाँ पाया जाता है, इन सबको हमें देखना है, कैसे इसका फॉर्मेशन बना है, ये भी हम कल देखेंगे। फिर हम इनकी लोकेशन देखेंगे कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ अधिक पाए जाते हैं, ये भी कल हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखें लैगून झील, यहाँ पे आप गिराएगी मैं बताऊंगा कल, ये है आपका एटॉल से बना हुआ ये। फिर इसका देखेंगे कि मनुष्य द्वारा इसकी वजह से इसको क्या खतरे हो रहे हैं, ये हमें देखना है, और जो कि ज्वलंत मुद्दा है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैरिन पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं जिन पॉल्यूशन की वजह से इनकी मृत्यु हो रही है, इसको देख करके हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। फिर लास्ट में आता है टार बार, ठीक है, क्या होता है टार बॉल, हम बाद में बात कर लेंगे कि इस पे हम फिर इस लेक्चर को पूरा खत्म करेंगे। तो कल की जो क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कल हम प्रवाल भित्ति खत्म करके फिर अगले दिन जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर। किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से, किसी कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। चलिए तो आप लोग को कुछ पूछना है प्लीज पूछ ले, सबको समझ में आ रहा बढ़िया से। किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना इंग्लिश हिंदी को लेकर के, किसी प्रकार की समस्या प्लीज यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो इस क्लास को बाद में देखेंगे उनके साथ वो समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है तब भी लिख दीजिए भाई कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, या सर ये चीज इंप्रूव करिए, सही लगे गलत लगे आप कुछ चीज हमें बताएं सुधार करें, या लेक्चर अच्छा लगा तब भी आप बताइए, कुछ पूछना है तब भी आप करिए, इतनी छूट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप ये सब करिए। चलिए फिर अपने आने वाले अपने लेक्चर में फिर मैं मिलूंगा, आप अपने दिन को एंजॉय करिए, और जिनका नहीं हुआ है हताश मत होइए, मेहनत करिए, फिर से वैकेंसी आएगी, जिस कल का आपको इंतजार है वो कल आएगा, चाहे दो चार छः महीने बाद आए, पर मेहनत आज से करोगे तभी वो कल आएगा, नहीं वो कल फिर किस सन में आएगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ठीक है। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, और जिनका भाई हुआ है उनको तो कंग्रेचुलेशन ही है, आप इस जंजाल से थोड़ा दूर निकल चुके हैं, बाकी सब अपने जो भी लोग हैं उनको गाइड करिए सही तरीके से ताकि उनका भी पेपर निकल सके। तब तक के लिए सबको बाय बाय और सबको नमस्कार।